हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले हमने कुछ लेक्चर्स में जो है वो एसिड्स कवर किया था कि एसिड क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। उसके बाद हमने केमिकल रिएक्शंस भी एसिड्स की जो थी वो पढ़ ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस, कि बेस जो है वो क्या होता है। ठीक है, बेसिस जो है वो क्या होते हैं, तो क्या डेली लाइफ में हम इनको यूज़ करते हैं, कहीं हमारे काम आते हैं या नहीं आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पे हम बेस जो है उसका इस्तेमाल करते हैं और मोस्टली हमें पता नहीं होता कि ये बेस है या क्या है। ठीक है, तो कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम बेस यूज़ करेंगे, या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम बेस का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि बेस होता क्या है और कहाँ कहाँ इसका हम इस्तेमाल जो है वो करते हैं। देखिए, मैं कुछ नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हम देखेंगे कि डेली लाइफ में हम बेस का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम बेस इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्टली जो है ये हमें नहीं पता होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बेस क्या होता है। ठीक है, तो बेस सबसे पहले जो बिटर इन टेस्ट होगा, ठीक है, बिटर इन टेस्ट, उसके बाद और हम किसको बेस बोलेंगे, जो रेड लिटमस को चेंज करता है किसमें, ब्लू में। ठीक है, वो भी हमारे पास बेस होगा। उसके बाद स्लिपरी एंड सोपी टच, और OH नेगेटिव आइन जो है जो रिलीज करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये OH नेगेटिव आइन्स जो है वो लिबरेट कर देगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, बेस। ठीक है, अब डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेटोल सोप या कोई सा भी सोप आप ले लें यहाँ पे, टूथपेस्ट और इनो। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये फैमिलियर हैं, हम इन तीनों चीज़ों से, तीनों चीज़ों को हम अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, अगर आप डेटोल या फिर कोई भी सोप इस्तेमाल करते हैं, अगर रोज़ नहाते हैं, रोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो एक्चुअल में है क्या कि है ये हमारे पास सॉल्ट, बट इसकी जो बेसिक कंपोजिशन है, इसकी जो मेन जो इसमें प्रॉपर्टी आती है क्लिनिजिंग की, तो वो कहाँ से आ रही है, हमारे बेस से आ रही है। ठीक है, क्योंकि बेस जो होता है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डर्ट को जो है वो रिमूव कर सकता है। जो आपकी जैसे ग्रीस, ग्रीस को ले लो, तो ग्रीस जो है वो क्या होगा, आपका एसिड होगा। उसके बाद जब आप वहाँ पे कोई भी बेस इस्तेमाल करोगे तो वो डर्ट जो है वहाँ से निकल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहाँ सोप्स में इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप लाइफ बॉय, लक्स, डेटॉल, जो भी सोप यूज़ करते हो, तो उनमें जो है वो हमारा बेस है। ठीक है, उसके बाद टूथपेस्ट, तो कंडीशन वही है कि अगर आप डेली यूज करते हो तो, ठीक है, तो इसका आपको पता होगा, टूथपेस्ट आप कोलगेट, पेप्सोडेंट, कोई भी टूथपेस्ट जो है वो यहाँ पे ले सकते हो। तो टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट में भी आपका बेस होता है। तो अब देखिए, हम किसी को बोलते हैं कि भाई तू रोज ब्रश नहीं करता है, तो तेरे दांतों पे जो है ये पीले कलर की लेयर जो है वो बनी हुई है, पीलापन है। अब ये जो लेयर है ये कैसे बनती है, अब देखिए, हमने खाना खाया, उसके बाद जो हमारे खाने कुछ हमारे कैविटी में फंस जाता है या दांतों में रह जाता है, तो वो करेगा सलाइवा के साथ रिएक्ट, और सलाइवा और वो बचा हुआ फूड जो हमारे दांतों में फंसा था वो बना देते हैं वहाँ पे क्या, एसिड्स। ठीक है, तो वो वहाँ पे एसिड बनाएंगे। और आपको पता है कि क्रोजन में, आप अगर आपने क्रोजन पढ़ा होगा, तो उसमें भी आता है कि ऊपर लेयर बन जाती है, ब्राउनिश लेयर बन जाती है। तो वैसे ही क्या होता है कि जब वो सलाइवा जो है वो उस फूड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक बाहर से लेयर बना देता है। ठीक है, तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट का। अब आपने ऐड में भी देखा होगा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ठीक है, तो हाँ ठीक है, इसमें नमक है, बट इसकी जो बेसिक कंपोजिशन है, जो इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज आ रही है, तो वो है बेस से आ रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस जो है यहाँ पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है इनो। तो कहीं भी आप अगर भंडारे में चले गए, रिश्तेदारों का चला गए, जहाँ पे आपको फ्री खाना मिल गया, अच्छा स्पाइसी खाना मिल गया,
तो जी भर के पे लिए, खाना खा लिया, उसके बाद घर पहुंचते ही गड़बड़ शुरू पेट में। क्या हो गया भाई? एसिडिटी हो गई है हमें, ठीक है ना, खुद चैन है ना, दूसरों को दे रहे हैं, ठीक है, तो एसिडिटी हो गई है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, इनो काम शुरू करें 6 सेकंड में, इनो का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब इनो क्या है? इनो भी एक बेस है, ठीक है, क्योंकि हमारे जो स्टोमच है वहां पे जो HCl है, तो जब हम ज्यादा स्पाइसी खाना खाते हैं तो HCl की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और जैसे ही HCl बढ़ेगा तो आपको एसिडिटी हो जाएगी, और एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे वहां पे बेस का, क्योंकि एसिड प्लस बेस जो है वो सॉल्ट बना देगा, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहां पे इनो का इस्तेमाल करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनो ही क्यों, टूथपेस्ट में भी तो बेस है, डेटॉल में भी तो बेस है, क्यों ना इनो की जगह डेटॉल यूज कर दिया जाए, अगर कुछ ना मिले तो टूथपेस्ट खा लिया जाए। हाँ, टूथपेस्ट कुछ हद तक आपको आराम दे सकती है, मगर हम सोप जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ऐसा ना हो कि सर ने बोला था कि ये सारे बेस हैं, तो बाथरूम में जाके डेटॉल खाने शुरू हो गए, एसिडिटी हुई थी, तो अब पता नहीं एसिडिटी रिमूव होगी नहीं होगी, मगर आप हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए सोप का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें और बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिले हुए हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो ये देखो, ये तीनों हमने जो पढ़े, ये तीनों थे हमारे पास बेस, ठीक है। उसके बाद विटरीन टेस्ट, रेड लिटमस को ब्लू चेंज करेगा, स्लिपरी एंड सोपी टच होगा, और OH आइंस जो है एक्वस सॉल्यूशन में वो लिबरेट करता है, वो है आपके पास बेस, ठीक है। तो चलिए, OH आइंस कैसे लिबरेट करेगा उस चीज को थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे हम। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास मान लो कोई, हम एक मेटल ले लेते हैं, सोडियम ले लिया। अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर इसका 11 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी इसकी, 2, 8, 1, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर आपको याद है या अगर आपने पढ़ा है, तो ये ऑक्टेट रूल को फुलफिल नहीं कर रहा है। ऑक्टेट रूल क्या है कि जो आपका आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मगर इसके पास एक है, और जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है तो इट मींस वो अनस्टेबल है, पागल है, बहुत ही अनस्टेबल है। तो अब अनस्टेबल को स्टेबल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसका या फिर हम ऑक्टेट कंप्लीट करवाएंगे, या फिर अगर इसके 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये डोनेट कर दे, शेयर कर दे किसी के साथ, डोनेट कर देगा। अगर डोनेट कर देगा तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हाँ ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 8 बचेंगे और ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये है, तो ये था सोडियम के बारे में, ठीक है। अभी हम इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। अब होगा क्या, ठीक है, एक है हमारे पास सोडियम और ये जुड़ा हुआ है OH के साथ, ठीक है, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन चाहता है कि इसको हाइड्रोजन मिल जाए एक और ये हो जाए स्टेबल। अब सोडियम ने कहा भाई तू मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि ये डोनेट करने पे है। अब इसको यहां से लेने के लिए देखिए, ये सारी रिएक्शन जो है ये हो रही है हमारे एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि सबसे ज्यादा चार्ज ट्रांसफर या फिर इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज हो ये सारा कहाँ होता है, हमारा एक्वस सॉल्यूशन में होता है, हवा में ये सब पॉसिबल नहीं है, तो एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है। अब ये वेट कर रहा है कि कहीं से हाइड्रोजन आए, ये उसके साथ मिल जाए और ये भी स्टेबल हो जाए, ठीक है, एक कंपाउंड बना दे। तब तक सोडियम ने कहा कि तू मेरे से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है। तो अब ये सोचता है कि नहीं, इजिली इधर से मिल रहा है अगर, तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए कंडीशन वही है कि एक्वस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन हो रही है। तो अब इसने सोडियम जो है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही इसने एक जो है वो डोनेट कर दिया तो सोडियम के पास आ गया पॉजिटिव, ये दानवीर है और हमेशा पॉजिटिव सोचता है, तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे केस में हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन ने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे आ जाएगा OH नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे हमारे बेस जो हैं वो क्या करते हैं, OH
आयन जो है इसको लिबरेट करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ओ एच आयन का कंसेप्ट समझ आ गया। तो वैसे ही अब हम बात करेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेस। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि बेस क्या होंगे, उसके बारे में इसने एक कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखिए जो अब हमने समझा सेम वही है। आर्हेनियस बोलता है कि बेस वो होंगे जो OH नेगेटिव आइंस जो है वो लिबरेट करेंगे और एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे और यहाँ पे OH नेगेटिव आइंस जो है वो लिबरेट करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ये क्या हो रहा था, इस एक कंपाउंड में OH नेगेटिव बाहर रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, बेस। तो ये होगा बेस। बेस क्यों होगा, क्योंकि इसने OH नेगेटिव आइन जो है वो लिबरेट किया था। अब ये कितने आइंस जो है वो लिबरेट कर रहा है, तो उसी के बेस पे हम बोलेंगे इसको कि ये एक कर रहा है, तो इट मींस ये एक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो जितने ज्यादा ये लिबरेट करेगा तो उतने ज्यादा एसिड्स को लिबरेट ये न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है एसिडिटी ऑफ बेसिस। जब आपके पास जो बेस है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज, देखिए होना चाहिए था यहाँ पे बेसिसिटी, बट यहाँ पे एसिडिटी है, तो इसको हम समझते हैं कि एसिडिटी ऑफ बेसिस से क्या मीनिंग है। तो अब देखिए एसिडिटी ऑफ बेसिस का मीनिंग है कि आपका बेस जो है वो कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर पा रहा है, कितने एसिड्स को ये न्यूट्रलाइज करेगा। तो अगर हम एग्जांपल ले लें KOH, ठीक है, एक बेस है हमारे पास। अब एक्वस फॉर्म में क्या होगा, बेस है और ये सॉल्यूशन जो होगी हमारी एक्वस फॉर्म में होगी। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में ये हो रही है हमारी। अब K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, अगर यहां से हमारे पास एक OH आयन जो है वो बाहर आ रहा है, तो इट मीन ये सिर्फ एक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो अब हम इसको बोलेंगे क्या, मोनो एसिडिक, एक ही एसिड को सिर्फ ये न्यूट्रलाइज कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है जैसे कैल्शियम CaOH, तो इसके साथ OH जो है वो टू टाइम जुड़े हुए हैं। अब जब ये एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक फॉर्म में आएगा, तो अब ये क्या करेगा, दो OH जो है ये बाहर चले जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको दे देगा। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इस पे चार्ज आ जाएगा टू पॉजिटिव, और बाहर जो हमारे पास आने वाले हैं टू OH नेगेटिव आइंस। ठीक है, तो इट मीन ये क्या, दो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसको हम बोलेंगे डायएसिडिक, दो एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ठीक है, तब अब दो की बात होगी तो तीसरे की भी कर लेते, तो तीसरा हमारे पास आ जाएगा एल्यूमिनियम OH3। तो इसमें क्या होगा कि ये थ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा, तो Al3 पॉजिटिव इस पर चार्ज आ जाएगा और बाहर लिबरेट करेगा ये तीन OH नेगेटिव आइंस। तो ये आपके पास आ जाएगा ट्राई एसिडिक। ठीक है, ट्राई एसिडिक आ गया। तो एसिडिटी ऑफ बेस जो है, बेसिस जो है, इससे हमारा क्या मीनिंग था कि एक बेस जो है वो कितने एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा, तो उसको हम बोलेंगे एसिडिटी ऑफ बेसिस। ठीक है, तो जनरली जब एक और इसकी हम प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जब ये मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म्स, तो हमारे पास तब
क्या बनता है? एक तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। तो व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल इट फॉर्म हाइड्रोजन, तो H2 गैस जो है ये फॉर्म करेगा, ठीक है। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि H2 गैस जो है वो यहाँ पे बनी है? तो इसके लिए एक मेथड है कि जब हम ये रिएक्शन करवाएंगे, तो अगर हम मान लो किसी क्लोज चैम्बर में रिएक्शंस करवा रहे हैं, ठीक है, रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से आपका एग्जॉस्टर है, यहाँ से H2 गैस जो है वो बाहर आएगी। अगर आप यहाँ पे कैंडल रख देंगे तो यहाँ पे पॉपअप साउंड जो है वो आपको सुनाई देगी, ठीक है। पॉपअप साउंड जो है वो यहाँ से सुनाई देगी। तो इससे ये कन्फर्म होता है कि एसिड, सॉरी, बेस जो है जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो H2 पॉजिटिव गैस जो है वो यहाँ से निकल रही है, ठीक है। तो ये था हमारा बेस के बारे में कि बेस होता क्या है, डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ बेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आरहेनियस कंसेप्ट क्या था बेसिस का और एसिडिटी ऑफ बेसिस, ठीक है। तो आज के टॉपिक जो है वो यहीं पे खत्म होता है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट जो है वो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ केमिकल रिएक्शनें जो हैं उनके बारे में देखेंगे। तो तब तक चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हर एक तक ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये वीडियो जो है वो पहुँच पाए।